तो प्रत्याश को कुछ मंच नहीं करेंगे अपने यंत्र के ऊपर और इधर माया घुटना खड़ा कर लेंगे चैत्य वंदन मुद्रा में परम पूज्य गुरुदेव मुख नमस्कोट का अभी हम देवी महालक्ष्मी का आवाहन मुद्राओं के द्वारा करेंगे। तो अपने अपने यंत्र के ऊपर दृष्टि बात करें, पूरी दृष्टि आपकी यंत्र के ऊपर होनी चाहिए और यहाँ एक हमारे विधिकारक भाई खड़े होकर मुद्राओं का आपको दिखाएंगे, वैसे वैसे आप करेंगे। देवी महालक्ष्मी को हम मुद्राओं के द्वारा पुकारेंगे। इधर से गीत का भी ध्यान दें। सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्या श्री सूरिमंत्र तृतीय पीठाधिष्ठायिका सम्यक् दृष्टि श्री महालक्ष्मी महादेव्यै अत्र अवतरत अवतरत संवशत् नमः श्री महालक्ष्मी महादेव्यै स्वाहा। स्थापन मुद्रा माता पधार गई है, उनको हम स्थान देंगे, आसन देंगे कि माँ यहाँ इस यंत्र में विराजी। ओम श्री सूरि मंत्र तृतीय पीठ अधिष्ठायिका सम्यग्दृष्टि श्री महालक्ष्मी महादेव्यै अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ नमः श्री महालक्ष्मी महादेव्यै स्वाहा। अब संधिधान सन्निधापन मुद्रा के माँ आप यहाँ पर स्थित रहिए, कहीं जाइए नहीं, क्योंकि देवी लक्ष्मी तो वैसे ही चंचल स्वभाव की है, लेकिन इस मुद्रा के द्वारा सन्निधापन यानी स्थिरता माता से कहेंगे। श्री सूरि मंत्र तृतीय पीठ अधिष्ठायिका सम्यक् दृष्टि श्री महालक्ष्मी महादेव्यै मम सन्निहितो भव वशत् नमः श्री महालक्ष्मी महादेव्यै स्वाहा। अंदर की ओर करेंगे कि स्थिर जब तक आपकी पूजा चलती रहे माँ आप यहाँ पर स्थिर रहेंगे। श्री सूरि मंत्र तृतीय पीठ अधिष्ठायिका सम्यक् दृष्टि श्री महालक्ष्मी महादेव्यै पूजायावत्त्रयं स्थातव्यं नमः श्री महालक्ष्मी महादेव्यै स्वाहा। अंगुलियों को आगे की ओर करते हुए अंगूठन मुद्रा कि माँ आप यहाँ पधारी हो लेकिन अदृश्य रूप में यहाँ का श्री सूरि मंत्र तृतीय पीठ अधिष्ठायिका सम्यक् दृष्टि श्री महालक्ष्मी महादेव्यै परेषां दृश्यो भवभव नमः श्री सूरि मंत्र तृतीय पीठ अधिष्ठायिका श्री महालक्ष्मी देव्यै स्वाहा। अब हम आपकी पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंजलि मुद्रा श्री सूरि मंत्र तृतीय पीठ अधिष्ठायिका सम्यक् दृष्टि श्री महालक्ष्मी
दिव्यै विमां पूजां प्रतिच्छत् प्रतिच्छत् नमः श्री महालक्ष्मी महादेव्यै स्वाहा। अभी हम ग्रह शांति स्तोत्र का पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़कर इसका श्रवण करें। माँ पधार गई है और इधर जो विधान है ग्रह शांति स्तोत्र का वह हम उच्चारण करते हैं। नमो गुरु नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषितं ग्रह शांति प्रवक्ष्यामि Thank you.
लक्ष्मी का एक अष्टक पढ़ने जा रहे हैं। इस अष्टक के अंदर माता की स्तुति है और उसमें आगे जाकर बताया जाता है कि अगर इस पाठ का प्रतिदिन एक काल तक यानी एक समय हम पठन पाठन करते हैं तो महापापों का विनाश हो जाता है। हम दो कालों में यानी सुबह और शाम के अंदर इसका पठन पाठन करते हैं तो धन धान्य से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, और अगर इसका तीन बार पठन पाठन यानी सुबह दोपहर और शाम को किया जाए तो हमारे महाशत्रुओं का विनाश हो जाता है। महाशत्रु, महाशत्रु ये कौन है? ये है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आलस्य प्रमाद, और इन रोगों का इन सब का नाश हो जाने से, शत्रुओं का नाश हो जाने से हमारा जो परमात्मा के लिए जाने का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो हम देवी महालक्ष्मी का ये स्तुति पाठ करें। नमो से नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरभूजिते शंख चक्रधारे मालिनी नमोस्ते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगन योगन संभूते मालिनी नमोस्ते नमो रे